वन फोर्थ ऑफ अ हर्ड ऑफ कैमल्स वॉज सीन इन द फॉरेस्ट, ओके, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड हैड गोन टू द माउंटेन्स एंड रिमेनिंग 15 कैमल्स वर सीन इन द बैंक ऑफ द रिवर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स। इसको अब सोचो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 50 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जिसमें 15 बच्चे भाग गए मोमोज खाने, ठीक है, 15 बच्चे मोमोज खाने चले गए, ठीक है, मोमोज खाने चले गए, जिसमें 15 बच्चे जो हैं वो फ्रूटी पीने चले गए या फिर जूस पीने चले गए, ठीक है, जूस नहीं या गोलगप्पे खाने चले गए, ठीक है, चलो मैंगो शेक पीने चले गए, ठीक है, मैंगो शेक पिलवा देते हैं, ठीक, 30 बच्चे हो गए, बाकी के जो 20 बच्चे थे वो डॉट डॉट खाने चले गए। अच्छा, डॉट डॉट का क्या मतलब है? जो भी तुम्हें खाना है, कुछ लोग गुटखा खाने वाले भी होंगे, ठीक है, गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, सब जो है वो सब इसमें आ गए, ठीक है, ऐसे में जो भी, हाँ भाई सब टाइप के हैं, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो ये गुटखा, तम्बाकू और ये सिगरेट वगैरह सब इधर फूकने गए होंगे। तो 20 बच्चे यहाँ गए हैं, ये 15 मैंगो शेक पी रहे हैं, 15 मोमोज खा रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर ये 15 15 जो गए हैं, ये 15 15 और 20, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तब भी तो ये 50 के बराबर आएगा, यस और नो? सबको ऐड करने के बाद तब भी तो ये क्वेश्चन जो है 50 के बराबर ही आएगा। अब कहोगे सर क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ कैमल्स को एक्स मानूं, लेट टोटल नंबर ऑफ कैमल्स बी एक्स, अगर मैं टोटल कैमल्स को अगर एक्स मान लूं, तो अब जो क्वेश्चन में बोला कि उधर चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए, तो सबको ऐड करूंगा तो वो किसके बराबर होगा? एक्स के बराबर होगा। बात समझ में आ गई? सबको ऐड करने के बाद भी वो एक्स के बराबर में आएगा, ठीक है। तो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था? वन फोर्थ ऑफ हर्ड ऑफ कैमल वॉज सीन इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट चले गए कितने? 1/4। टोटल एक्स था तो 1/4 का मतलब हो गया 1/4 ऑफ एक्स। एक्स बाई फोर बोल सकते हो या 1/4 इंटू एक्स बोल सकते हो, एक ही बात है। 1/4 इंटू एक्स प्लस, जैसे ये 15 मोमोज खाने गए तो 15 प्लस करेंगे ना, देखो प्लस लगा दिया। और क्या है? ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड हैड गोन टू माउंटेन। स्क्वायर रूट का मतलब है ट्वाइस, मतलब 2 का मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट का ये रूट और ये एक्स, ये माउंटेन चले गए। प्लस रिमेनिंग 15 जो हैं वो कहाँ चले गए? ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, बस इतना ही दे रखा था। तो ये सब ऐड करने पे ये किसके बराबर आएगा? ये तुम्हारा एक्स के बराबर आएगा। क्या आप लोग कंडीशन समझ गए? मैंने इसीलिए एक एग्जांपल लिया था, 15 लोग मोमोज, 15 लोग मैंगो और 20 लोग डॉट डॉट डॉट, इनको ऐड करोगे तो ये भी 50 के बराबर ही आएगा, यानी इन सबको ऐड करोगे तो ये भी एक्स के बराबर आएगा। क्या आप ये बात समझे? यस और नो? समझ में आ गया? ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो वो देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि रूट आ गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम कर रहा है? यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है रूट आया जो, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि भैया ये रूट एक्स है ना, जो रूट एक्स कि ये वाई के बराबर है। किसके बराबर है? रूट एक्स जो है वो वाई के बराबर, एक नया वेरिएबल के बराबर है, कुछ नया वेरिएबल है ये वाई, ठीक है। तो अगर रूट एक्स को वाई माना, तो अगर मैं स्क्वायर कर दूं बोथ साइड, तो ये रूट हट जाएगा, तो क्या एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर के बराबर होगी? अगर रूट एक्स को वाई लिया तो स्क्वायर बोथ साइड करोगे तो ये रूट एक्स बन जाएगा, ये वाई स्क्वायर बन जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो जहां जहां एक्स है वहां पे वाई स्क्वायर आएगा, क्या आएगा? वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है, और जहां एक्स रूट एक्स है वहां वाई आएगा। चलो पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 1/4 इंटू एक्स, एक्स कितना है? वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर कर लो, प्लस 2 इंटू रूट एक्स हमारा कितना है? वाई है, तो 2y हो गया, प्लस 15 इज इक्वल टू एक्स हमारा कितना है? वाई स्क्वायर है, तो यहाँ वाई स्क्वायर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हूँ, ठीक है। ये 1/4 वाई स्क्वायर का मतलब है वाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का 2y प्लस का 15 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। चलो 4 एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम लिया तो वाई स्क्वायर प्लस का 8y प्लस
सिक्स टी बराबर वाई स्क्वायर, इस फोर को इधर भेज दो, तो वाई स्क्वायर प्लस का एट वाई प्लस का सिक्स टी बराबर फोर वाई स्क्वायर, इन तीनों को इधर भेजो, माइनस करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इधर जाएगा तो फोर वाई स्क्वायर, ये तीनों माइनस हो जाएंगे, यानी माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का एट वाई माइनस का सिक्सटी बराबर जीरो, तो फोर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर थ्री वाई स्क्वायर माइनस का एट वाई माइनस का सिक्सटी बराबर जीरो, ये आएगी क्वाड्रेटिक। क्या सारे बच्चों की क्वाड्रेटिक यही बनी, जरा चेक करें, चेक करो क्वाड्रेटिक यही बन रहा है क्या, क्या सारे बच्चों का क्वाड्रेटिक यही आया। तो अगर मैं सिक्सटी का थ्री में मल्टीप्लाई कर दूं, 60 का 3 में मल्टीप्लाई करूं तो क्या ये 180 आएगा, और अगर 180 को ब्रेक किया जाए तो कैसे ब्रेक किया जाए, 18 इंटू 10 8 आ जाएगा, 18 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा 18 माइनस 10 से 8, ओके। तो भैया जी यहाँ पे आएगा 3y स्क्वायर माइनस का 18y प्लस का 10y माइनस 60 बराबर जीरो, इन दोनों में 3y कॉमन मिला तो y माइनस 6 आएगा, यहाँ पे 10 कॉमन लेंगे तो y माइनस 6 आएगा बराबर जीरो, तो एक ब्रैकेट में आएगा 3y प्लस 10, एक ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 6, तो y की वैल्यू 3y प्लस 10 को अगर हम जीरो करें तो y कितना आएगा, ये इधर गया माइनस 10 और 3 डिवाइड में आ गया, तो माइनस का 10 बाई 3 आएगा, और y माइनस 6 को अगर जीरो करें तो y आ जाएगा 6 के बराबर। ये दो आंसर आ गए, ये दो आ गए आपके आंसर, एक आ गया माइनस का 10 बाई 3 और एक आ गया 6। तो अगर मेरा x जो है y स्क्वायर के बराबर है, x मेरा y स्क्वायर के बराबर है, तो अगर मैं ये वाली वैल्यू लेता हूं तो इसका स्क्वायर करूं अगर मैं, तो 100 अपॉन 9 आएगा जो कि फ्रैक्शन में है, और हमें नंबर ऑफ कैमल्स जो है वो फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकते ना, ऐसा तो नहीं कह सकते हो अच्छा ऐसा है 5.5 कैमल ले आओ, कैमल्स जो है फ्रैक्शन, जैसे हम लोग फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, कैमल्स भी नहीं हो सकते हैं, तो ये केस रिजेक्ट हो गया। अब दूसरा x इक्वल टू वाई स्क्वायर लिया और इस बार y की वैल्यू 6 रखेंगे तो 36 आ गया, यही आंसर हो गया, 36 आंसर हो गया कि नंबर ऑफ कैमल्स जो है वो 36 हो जाएंगे।